नमस्कार दोस्तों, डी एस पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे रोमन देय स्तंभ लेख के बारे में, यानी जो प्रमुख स्तंभ लेख है उनमें से, यानी अभिलेख से संबंधित टॉपिक है। अभिलेख में ही अभिलेख का ही पाठ है स्तंभ लेख। तो उसमें जो हमारा स्तंभ लेख है वो रोमन देय स्तंभ लेख है, जो लुम्बिनी से प्राप्त हुआ है। और इस स्तंभ लेख की जो प्रमुख विशेषता है उनके बारे में, तो सबसे पहले इस स्तंभ लेख की जो में जो भी शब्द लिखे गए हैं या जो भी लेख लिखे गए हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, और ये सबसे लघु स्तंभ लेख है। यानी जो अशोक के द्वारा बनाए गए जो जो भी लघु स्तंभ थे उन लघु स्तंभ लेख के श्रेणी में ये आता है। वो सम्राट अशोक का समर्पण यानी उनको समर्पित करने वाला अभिलिखित अभिलेख भी है, और भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी में यह स्थित है, और भगवान बुद्ध के जन्म स्थान की भी इसमें बात लिखी गई है, या भगवान बुद्ध के जन्म स्थान के बारे में इस स्थान में बताया गया है। यानी भगवान बुद्ध के जन्म स्थान का भी इसमें उल्लेख किया गया है, और अशोक सम्राट की जो नेपाल यात्रा थी, यानी अशोक सम्राट की नेपाल यात्रा का भी वर्णन या उल्लेख इस स्तंभ लेख में किया। अशोक ने लुम्बिनी स्थान को कर देने से या कर भुगतान देने से मना कर दिया था, और उनका जो अनाज का उसका योगदान था, यानी अनाज में उनको अशोक सम्राट को देना था, वो 1/8 देना था। यानी 1/8 बराबर 1/8 उनका हिस्सा, यानी अनाज का हिस्सा उनको या अशोक सम्राट को देना होता था। तो आज के इस टॉपिक में हमने रोमन देय स्तंभ लेख के बारे में चर्चा की। तो एक ही बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, उसकी विशेषताएं या इस अभिलेख से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है उसके बारे में। तो इस अभिलेख से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ज़्यादातर ये आता है कि ये स्तंभ लेख किस भाषा में लिखा गया, ब्राह्मी लिपि में, और ये लघु स्तंभ लेख है, और सम्राट अशोक का समर्पण अभिलेखित अभिलेख भी है, और भगवान बुद्ध के जन्म स्थान की भी इसमें भगवान बुद्ध के जन्म स्थान का भी इसमें उल्लेख किया गया, और अशोक सम्राट की जो नेपाल यात्रा है उसका भी वर्णन मिलता है यहाँ पे, और अशोक ने लुम्बिनी वन को कर भुगतान देने से यानी मुक्त कर दिया था, या कर देने से उनको मना कर दिया था, या कर मुक्त कर दिया था, ये बात आप ध्यान रखना। और अनाज का उसका जो योगदान था यानी लुम्बिनी का, वो 1/8 यानी 1/8 उनका निर्धारित कर दिया था, और ये लुम्बिनी जो स्थान है वहाँ पर स्थित है। यानी ये स्तंभ लेख अभी वर्तमान में लुम्बिनी स्थान पर स्थित है। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना, शेयर करना, और डी एस पाठशाला को आप सब्सक्राइब कर लेवे। धन्यवाद।